हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.1 फ्रॉम चैप्टर सर्कल ऑफ मैथ्स 2 फ्रॉम 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए, यह है वो फिगर जिसमें आपको दिया है एक सर्कल विथ सेंटर सी, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। देन आपको दिया है लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। तो देखिए, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज ए। आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए, हमें इन क्वेश्चन को आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इस फिगर में कहाँ पे रहेगा एंगल सी ए बी। तो फ्रेंड देखिए, यह है सी देन ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, एंगल सी ए बी निकालने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए, रेडियस सी ए। तो जब आप ड्रॉ करेंगे रेडियस सी ए, तो ये हो जाएंगे रेडियस, और ए बी क्या है, टेंजेंट। तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम क्या रहेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब एंगल सी ए बी कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम रेडियस को। तो फ्रेंड्स देखिए, यह हमारे रेडियस जो हमने ड्रॉ किया है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर एंगल सी ए बी। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ रेडियस, कौन सी रेडियस है, सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे नाउ सेगमेंट सी ए, या आप लिख सकते हैं रेडियस सी ए इज परपेंडिकुलर टूवर्ड सेगमेंट ए बी या टेंजेंट ए बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और क्यों परपेंडिकुलर, इसका रीज़न आप लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड देयरफॉर इसका मतलब ये कि एंगल सी ए बी, ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। सो देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपका आंसर फर्स्ट मिल चुका है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फ्रेंड देखिए, उसके बाद आपको फाइंड करना है सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या है आपका क्वेश्चन, वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो फ्रेंड देखिए, ए बी ये है लाइन, और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। तो इस पॉइंट का ए बी से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जब भी आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो आपको याद रखना है कि वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वो हमेशा क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। तो देखिए, यह है सी पॉइंट और ये लाइन ए बी। तो सी से ए बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, वो तो रेडियस है ऑफ दिस सर्कल, जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम ए बी कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो चलिए इसे भी लिखते हैं हम। अब हम लिखेंगे सेकंड के लिए, इन अ सर्कल विथ सेंटर सी क्या है, इन अ सर्कल विथ सेंटर सी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी ए इज अ रेडियस। तो आप लिखेंगे सी ए इज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ 6 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, लेंथ 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट व्हाट, बट हम लिखेंगे सी ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट ए बी। देखिए, सी ए परपेंडिकुलर किसे, ए बी को। तो आपको फाइंड करना है सी का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी, और डिस्टेंस ही मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और देखिए, सी ए क्या है, रेडियस है, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर हम लिख सकते हैं पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम व्हाट, लाइन ए बी, फ्रॉम लाइन ए बी। और देखिए, यहाँ पे हमने रीजन ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे इसका रीज़न लिख लेते हैं हम, सी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी। इसका रीज़न क्या रहेगा, टेंजेंट थ्योरम जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह आपको पॉइंट सी का डिस्टेंस मिल चुका है फ्रॉम लाइन ए बी, विच इज 6 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड देखिए, उसके बाद आपको फाइंड करना है थर्ड वाला, जहाँ पे आपको दिया है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बी सी। तो कहाँ पे देखिए डिस्टेंस ए बी, ये देखिए, यह है डिस्टेंस ए बी, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बी सी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले एक सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी बी सी। तो चलिए, सबसे पहले सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया सेगमेंट बी सी। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बी सी। तो आपको फ्रेंड देखिए डिस्टेंस बी सी फाइंड करने के लिए आप इस ट्राइंगल में क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे आपको दिया है ए बी विच इज 6 सेंटीमीटर और ए सी देखिए आपको डिस्टेंस पता है विच इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड डिस्टेंस बी सी। तो चलिए फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए हम लिखेंगे थर्ड का इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो देखिए ये रीजन टेंजेंट थ्योरम। सो देयरफॉर यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड्स। सो इट्स दिस ट्राइंगल विच इज़ द हाइपोटेनियस, बी सी इज द हाइपोटेनियस। तो आप लिखेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड्स। तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए आपको ए बी ऑलरेडी दिया है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर। देन ए सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 स्क्वायर ये गिवन एंड यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम 1। तो देखिए यह है आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये जो 6 आपने लिखा ये गिवन था, डिस्टेंस ए बी 6 और जो डिस्टेंस ए सी है वो आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 72। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 72। सो देयरफॉर आपको यहाँ पे मिल चुका है बी सी स्क्वायर विच इज 72। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको फाइंड करना है बी सी। सो टेकिंग स्क्वायर रूट तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट 72। और फ्रेंड्स आपको देखिए पता है 72 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2। तो देखिए हम यहाँ पे लिखने वाले अब, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इंटू 2। अब इस 36 को हम निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 6 रूट 2। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये आ गया सेंटीमीटर। सो आपको फाइनली बी सी मिल चुका है 6 रूट 2 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस बी सी। सो देयरफॉर हम लिखेंगे डिस्टेंस बी सी इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये था इसका आंसर सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आंसर, तो क्या लिखेंगे आप आंसर में, हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ बी सी, द डिस्टेंस ऑफ बी सी, या आप लिख सकते हैं सेगमेंट बी सी इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पूछा है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो कहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, ये देखिए एंगल ए, ये बी और ये सी, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन फोर्थ में हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, फोर्थ में इन ट्राइंगल ए बी सी, आप देख सकते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और साथ में आप लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। इसका रीजन क्या है, सिंस बोथ आर ऑफ 6 सेंटीमीटर, बोथ आर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आप फिगर में कहाँ पे है हमने लिखा ये, तो देखिए यह है एंगल सी ए बी विच इज़ 90 डिग्री। उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे क्या, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे ए बी, ये देखिए ए बी और ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, और क्यों कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे बिकॉज ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम। तो चलिए हम लिखेंगे अब इन दोनों के अपोजिट एंगल्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर व्हाट ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा रहेगा, वो रहेगा ए सी बी, ये रहेगा कॉन्ग्रेंट किसे, ए सी के अपोजिट एंगल को, जो है कौन सा ए बी सी। और इसका रीज़न आप लिखेंगे आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फाइनली आपको मिल चुका है कि दो एंगल्स कौन से, सी और बी, ये कॉन्ग्रेंट है। तो चलिए देखते हैं एक बार फिगर में कहाँ पे सी और बी, देखिए सी और बी ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं और एंगल ए कितना है 90 डिग्री का। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, इन दो एंगल्स को अज्यूम करेंगे, लेट से एक्स, तो हम अज्यूम करेंगे लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2।
अब हम यूज करेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स क्या है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन से तीन एंगल्स रहेंगे, देखिए यही तीन एंगल्स रहेंगे। तो आप लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल सी ए बी तो है 90 डिग्री का, ये हो गया 90। देन ए सी बी एंड ए बी सी बोथ आर इक्वल और कितने हैं एक्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 2x और ये जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90। तो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90। आपको फाइंड करना है देखिए अब x, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 बाय 2, सो देयरफोर x कितना रहेगा, x रहेगा 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स x आपको मिल चुका है 45 डिग्री। आपको फाइंड करना था एंगल कौन सा, ए सी बी। ठीक, सॉरी आपको फाइंड करना था ए बी सी। तो आप लिखेंगे नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, ये गया फ्रॉम इक्वेशन टू, सो देयरफोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना रहेगा, देखिए एक्स कितना है 45, सो ए बी सी विल बी 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस तरह आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखिए एक एक मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इन योर पेपर, चारों क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं पूछेंगे, एक या कोई भी दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।